इंडिया ए के लिए खेल रहे उत्तर प्रदेश के स्पिन गेंदबाज सौरभ कुमार के सामने न्यूजीलैंड ए के बल्लेबाज पानी भरते नजर आए। सौरभ ने अपने फिरकी का कमाल दिखाते हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में 9 विकेट लिए। सौरभ को क्रिकेट के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी यह मेहनत खराब नहीं गई क्योंकि अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर वह अब टीम इंडिया में एंट्री के मुहाने में जा पहुंचे। सौरभ बागपत के छोटे से कस्बे बड़ौद से आते हैं। बचपन में जब उनके पिता ने बेटे को क्रिकेट सिखाने का फैसला किया तो यह आसान नहीं था। बागपत में कहीं भी कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं थी। ऐसे में सौरभ को हर रोज 3.5 घंटे का सफर करके दिल्ली जाना होता था। मैच खेलकर वह फिर 3 घंटे का सफर करके घर पहुंचते थे। सौरभ की किस्मत अच्छी रही कि बचपन में ही उन्हें सुनीता शर्मा जैसी कोच का सानिध्य मिला। सुनीता ने सौरभ की प्रतिभा जांच ली थी और वह जानती थी कि सौरभ एक अच्छा लेग स्पिनर बन सकता है। कुछ समय बाद सौरभ इस रोल में ढलने लगे तो उन्हें साथ मिला पूर्व भारतीय गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का। बेदी ने एच ग्रुप मैचों के दौरान सौरभ को गेंदबाजी करते देखा था और सुनीता से उनका अच्छा ख्याल रखने को भी कहा। जी हाँ, बात करते हैं सौरभ को साल 2020 में मिली ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। हालांकि कोरोना ने उनके सारे सपने तोड़ दिए। लगभग 2 साल तक फर्स्ट क्लास मैच नहीं हुए, लेकिन सौरभ ने खुद को राह से भटकने नहीं दिया। सौरभ को भारतीय टीम में नेट बॉलर के तौर पर खेलने का मौका मिला और भी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टीम में भी शामिल हुए। सौरभ लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लगने लगा है कि वह सिलेक्टर के रडार पर है और उन्हें जल्द ही टीम में मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।